गट्टू जिनकी मम्मी पापा के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे थे। गट्टू जरा रूम में जाके मेरे कपड़े वाला बैग लेकर आओ। ओके मम्मी। पर क्यों मम्मी, वहाँ मार्केट में बैग तो मिलेगा ना? हाँ चिंकी, वहाँ बैग मिलेगा, पर वो पॉलिथीन से बना होगा जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। कपड़े का बैग एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल होता है। ओ, मैं समझ गई मम्मी। सब साथ में मार्केट पहुँच जाते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। गट्टू को भूख लग जाती है तो पापा उसे और चिंकी को हॉट चॉकलेट दिलाते हैं। वाओ, कितना टेस्टी है ये। अरे अरे गट्टू, ये क्या कर रहे हो? इस कुल्हड़ को फेंक क्यों रहे हो? ओ पापा, मेरा हॉट चॉकलेट तो खत्म हो गया है ना, तो अब मैं इस कुल्हड़ का क्या करूँगा, इसीलिए इसे फेंक रहा हूँ। नहीं गट्टू, इसे फेंको मत, तुम अभी इसे अपने पास रख लो, मैं घर चल के बताता हूँ कि इसका क्या कर सकते हैं। ओके पापा। फिर मम्मी को कुछ और जरूरी सामान लेना था तो वो मार्केट में चिंकी के साथ आगे बढ़ जाती है और पापा और गट्टू वही बेंच पे बैठ के उनका वेट करते हैं। वाओ मम्मी, देखिए ना उस पेड़ पर कितनी प्यारी बर्ड्स हैं। हाँ चिंकी, सही कहा तुमने। मम्मी मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं चलते चलते थक गई हूँ। ठीक है चिंकी, आओ मैं तुम्हें पानी दिलाती हूँ। मम्मी ये बोतल तो प्लास्टिक की है, अब इसे तो फेंकना ही पड़ेगा ना, भला हम इसका क्या यूज करेंगे? तभी मम्मी को एक आइडिया आता है। एक काम करो चिंकी, इसे मुझे दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम इसका क्या यूज करेंगे। तुम्हें वो बर्ड्स बहुत पसंद आई थी ना? हाँ मम्मी, बहुत ज्यादा। तो हम घर चल के इस प्लास्टिक की बोतल को बीच में से कट करेंगे और इसमें बर्ड्स के लिए खाना रख देंगे, फिर इसे अपनी बालकनी में बर्ड फीडर की तरह रख देंगे, फिर वैसे ही कई सारी बर्ड्स आएंगी और इसमें से खाना खाएंगी। वाह मम्मी, क्या आइडिया है। देखा चिंकी बेटा, अगर चाहो तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, बल्कि हर चीज का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मम्मी और चिंकी वापस गट्टू और पापा के पास आ जाते हैं और वो सब लोग वापस घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुँचते ही गट्टू एक्साइटेड होके पापा से कहता है, पापा पापा पापा, आपने मुझसे कहा था कि इस कुल्हड़ का हम कुछ करेंगे, बताइए अब हम इसका क्या करेंगे? हाँ हाँ गट्टू, बताता हूँ, पहले तुम इसे जरा अच्छे से वॉश कर दो। ओके पापा। और हाँ गट्टू, जाओ और जाके बालकनी में जो गमले रखे हैं उसमें से थोड़ी मिट्टी इसमें डाल के ले आओ। गट्टू पापा की सब बात मान लेता है और फिर पापा उस कुल्हड़ के नीचे एक छोटा सा होल कर देते हैं और उसमें स्ट्रिंग्स बांध के मेन एंट्रेंस में लटका देते हैं। देखो गट्टू, अब ये हमारा मिनी प्लांटर बन गया है, मैं कल ऑफिस से आते वक्त क्यूट से छोटे छोटे प्लांट्स ले आऊंगा और हम उन्हें इस प्लांटर में लगाएंगे, बताओ कैसा लगा तुम्हें? वाओ पापा, कितना बढ़िया आइडिया है, ये प्लांटर तो सच में बहुत क्यूट है। है ना गट्टू? पापा, अगर हम प्लास्टिक से यूज नहीं करेंगे तो और क्या है जिसे हम यूज कर सकते हैं? चिंकी, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और बदले में हम कंपोस्टेबल प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में अपने आप डिग्रेड हो जाता है। इसी के साथ हम सेरामिक, बैम्बू, नेचुरल फाइबर से बनी कई चीजें जैसे कि कुल्हड़, कटलरी और बैग्स यूज कर सकते हैं। हाँ बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसी तरह मम्मी पापा ने गट्टू और चिंकी को एक ही दिन में रीयूज साइकिल और सस्टेनेबिलिटी के बारे में इतना कुछ सिखाया। बच्चों, आपको भी ज्यादा से ज्यादा रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए और सस्टेनेबल बनना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।